67 न्यूज के इस भाग के प्रायोजक हैं साहिल होंडा। तो पहिया वाहन खरीदने के लिए पेमेंट करें पेटीएम से और पाएं 1500 रुपए तक का कैशबैक ऑफर। गली गली में चले हैं हम, हमें रोक सके ना किसी में है दम। बालों के रंग में मत जाओ, बैटरी फुल है, इनके सामने तो अच्छे अच्छों का डिब्बा गुल है। जमाने के याद है। ये क्या है? नई जनरेशन है। आजकल इंडिया के हर जनरेशन नई जनरेशन है, इन्हीं के लिए आई है नई जनरेशन वाली एक्टिवा 4G। सागर श्री, एक सौगात, सागर संभाग का पहला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब आपके शहर में। 150 बेड, 16 स्लाइड सिटी स्कैन, हाई टेक ट्रॉमा सेंटर, 50 बेड का एडवांस्ड ICU एवं 5 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स के साथ हमारी टीम अब तैयार है। हार्ट अटैक, एक्सीडेंट, सर्जरी या किसी भी अन्य गंभीर रोग के लिए अब आपको दूर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब अत्याधुनिक उपकरणों, उच्चतम सुविधाएं एवं अनुभवी डॉक्टरों की टीम सागर में ही आपको कम कीमत में सर्वोच्च सेवा देने के लिए तत्पर है। हमारा उद्देश्य आपका स्वास्थ्य। शहर के उपनगरीय क्षेत्र मकरोनिया में बीती रात हुए गोलीकांड में एक नाबालिग युवक आशीष मिश्रा गंभीर रूप से घायल हुआ है। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं बताया जा रहा है कि दो पक्षों में आपसी रंजिश के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है। मानस नगर मकरोनिया के रहने वाले आशीष मिश्रा का कुछ दिनों पहले ही क्षेत्र के युवकों से झगड़ा हो गया था, जिस पर गुस्साए इन युवकों में से किसी एक ने आशीष पर देशी कट्टे से फायर कर दिया और मौके से भाग गए। यह घटना पैराडाइज होटल के पास की है। गोली की आवाज सुनते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं घटना की जानकारी परिजनों को लगी तो वे फौरन युवक को PMC ले आए, जहां युवक को लगे गोली के शरीर निकाले गए। युवक की हालत अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है। ये भाई साहब, क्या मामला हुआ? गोली कांड हुआ, कौन है ये आपका? ये हमारा भांजा है, आशीष मिश्रा। आशीष के अमित? आशीष मिश्रा। क्या घटनाक्रम हुआ पूरा? ये घटनाक्रम हुआ, हम लोग की पुरानी रंजिश थी केबल वाली, और केबल इसके चलते क्या है, ये ललित वर्मा, मनोज यादव, गोकुल ठाकुर, अशफाक खान, विकास यादव और एक दो लड़के और हैं अन्य, जिन्होंने इसको एकांत में बुलाया और गोली मार दी। क्या स्थिति है अभी, क्या बताएं? उसको एक गोली जो यहाँ पर लगी हुई है वो छाती के अंदर तक पहुँच गई है। अभी किसी गिरफ्तारी हुई है? अभी गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है, हम लोग वहाँ से इसको सीधे लेके मेडिकल हॉस्पिटल आ गए। क्या नाम है आपका? रामबाबू चौबे। किस जगह की घटना है ये? ये अभी सेलेस मेमोरियल के सामने। दरअसल मकरोनिया क्षेत्र में बीते दिनों इन दोनों पक्षों में आपसी रंजिश के चलते कई बार झगड़ा हो चुका है, जिससे क्षेत्र में भी भय का माहौल बना हुआ है। वहीं पुलिस अब तक घटना के आरोपियों को पकड़ने में असफल साबित हुई है।